वेलकम, मैं साक्षी, स्वागत है आपका टुडेज में, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि रणवीर सिंह जल्द ही रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सर्कस में नजर आने वाले हैं। फैंस सिम्बा के बाद दोनों की जोड़ी को फिर से पर्दे पर देखने के लिए बेताब है। फिल्म को लेकर कई खबरें आई जिन्होंने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल अप कर दिया। इस फिल्म में रणवीर सिंह डबल रोल में नजर आएंगे। इसी बीच में फिल्म से जुड़ी नई खबर आ रही है। दरअसल खबर आ रही है कि यह फिल्म एक पीरियड कॉमेडी फिल्म होगी। इस फिल्म में सभी किरदारों को पुराने दौर का दिखाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फिल्म के दो किरदार के डबल रोल होने के कारण यह फिल्म एक कॉमेडी ऑफ एरर है। इसीलिए रोहित और उनकी टीम ने फिल्म को उस दौर में सेट करने का फैसला किया है जब मोबाइल फोन्स और बाकी वर्तमान गैजेट्स नहीं थे। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मेकर्स ने इसे 1967 के आसपास के दौर की फिल्म बनाने का फैसला किया है। इस फिल्म के लिए कास्ट की कॉस्ट्यूम और सेट्स को पूरी तरह से तैयार करने के लिए टीम पिछले कुछ महीनों से दिन रात लगी हुई। खबर ये भी है कि रोहित कॉस्ट्यूम को लेकर भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। फिल्म में कास्ट के लुक्स और ड्रेस से भी कॉमेडी फील आना चाहिए। यह फिल्म एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। इसमें रोहित शेट्टी का स्टाइल लोगों को क्रेजी करेगा और वो भी एकदम विंटेज स्टाइल में। यानी कि इस फिल्म में रणवीर सिंह को एकदम नए अवतार में देखने के लिए तैयार हो जाइए। बता दें कि कुछ समय पहले रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सर्कस की शूटिंग की शुरुआत मुंबई में ही की थी। इसके बाद वह फिल्म की शूटिंग हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में करेंगे। इसके बाद गोवा और ऊटी जाने की भी योजना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।